मेरे चैनल कुकिंग विद कमल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं कुकिंग विद कमल। आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी मनपसंद डिश फ़िश फ्राई, जो कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। मेरी रेसिपी को फुल एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फ़िश लिया, उसको अच्छे से धो लिया हुआ है, क्योंकि फ़िश वाला हमेशा नमक लगा के देता है। तो घर ला के इसे सिरके में अच्छे से धो के और इस तरह खुश कर लें छन्नी में डालकर। एक बाउल लेंगे और फिश के लिए उसका मसाला तैयार कर लेंगे। 4 से 5 चम्मच दही के लेंगे, आधी चम्मच लहसुन पाउडर लेंगे, आधी चम्मच अदरक लेंगे। आप लोग दोनों चीज़ें फ्रेश भी ले सकते हैं। 1 चम्मच हम लोग नमक की लेंगे, नमक का ख्याल रखिएगा क्योंकि मछली को पहले भी लगा हुआ है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के हम लोगों ने सुर्ख मिर्च पाउडर डाला है, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी हम लोगों ने अजवाइन ली है, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 2 से 3 चम्मच हम लोग इमली का पल्प लेंगे, 2 चम्मच हम लोगों ने बेसन लिया है। अब सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हम लोगों ने मिक्स कर लिया, अब इसमें 1 नींबू निचोड़ देंगे। मसाला हमारा मिक्स हो चुका हुआ है। अब एक बड़ा बाउल लेंगे, 1 पीस फिश का डालेंगे और जो हम लोगों ने मसाला तैयार किया था उसे अच्छे से इस पे कोटिंग करेंगे। अच्छे से मसाले को मैंने मिक्स कर लिया हुआ, अच्छे से लगा लिया मछली को। तो इसे 1 से 1.5 घंटा ज़रूरी है रखना ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अगर आप ओवरनाइट रख लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। एक से डेढ़ घंटा हमारा हो चुका हुआ है मछली को मैरिनेट किए हुए। कढ़ाई रख के हम लोगों ने इसमें ऑयल डाल लिया हुआ है, मीडियम लो फ्लेम पे रखना है हम लोगों को। ऑयल हमारा गर्म हो चुका हुआ है, अब हम लोग पीस उठा के इसमें डालेंगे। जब तक एक साइड हो नहीं जाएगी तब तक इसको पलटेंगे नहीं। दरमियानी आंच पे हम लोगों को मछली को फ्राई करना है। एक साइड देख लेते हैं पलट कर। एक साइड मुकम्मल तौर पे नहीं हुई अभी। ये देखिए अच्छे से गोल्डन हो गई भी है, अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। अब इसी तरह हम लोग सारी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए मज़ेदार सी हमारी फिश तैयार है। आप लोग भूल जाएंगे इस बाहर की मछली को, चाहे वो कोई सरदार की क्यों ना हो। मेरे इस मेथड को ज़रूर फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगली रेसिपी में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।